हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं दाल मखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3/4 कटोरी साबुत काली उड़द की दाल ले रही हूँ और 1/4 कटोरी राजमा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चना दाल भी डाल सकते हो। दाल को मैं 3 से 4 बार धो लूँगी और 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूंगी। दाल को पानी के साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। अब कुकर में थोड़े से साबुत मसाले डालूंगी, 2 तेजपात के पत्ता, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च डालूंगी। आप चाहे तो काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। अब मैं 1/2 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी और 3/4 टीस्पून नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, गैस पर रख देंगे और 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद मैं गैस को धीमी कर दूंगी और 20 से 25 मिनट तक धीमी गैस पर रखूंगी। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा बटर डालूंगी। बटर को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं इसमें। जीरा रेड हो गया है। अब मैं इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज कढ़ाई में डालूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और इसको मिला देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट पक गया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, ये कम तीखी होती है, मिला देंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैंने पीस के लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हो। टमाटर को मिला देंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक हमने उबालते समय भी डाला था, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मसाला भून गया है। अब मैं इसमें 2-3 चम्मच दही डालूँगी। दही डालते समय गैस को हम धीमा कर लेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डालूँगी। इसको अच्छे से मिला देंगे। मसाले को भून लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया है। दाल अच्छे से गल गई है। अब इस दाल को मसाले में डालेंगे जो हमने भून के तैयार किया था। दाल को मसाले में मिला देंगे और इसमें हम 1 उबाली आने देंगे। दाल में उबाली आ गई है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी को दाल में अच्छे से मिला देंगे और 5 से 7 मिनट तक दाल को हम ऐसे ही पकाएंगे, जिससे दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दाल मखनी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूँगी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी, मिला दूँगी। लास्ट में दाल मखनी में मैं थोड़ी सी क्रीम डालूंगी और मिला देंगे। दाल मखनी को सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डालूंगी। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनकर तैयार है। आप इस दाल मखनी को नान, पराठा या जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।